गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज काउंटिंग इन वर्ड्स ऑफ मैथ्स काउंट ऑन लेवल 1. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज के जैसे हमारा टॉपिक आपको नज़र आ रहा है क्या है, काउंटिंग इन वर्ड्स. तो काउंटिंग इन वर्ड्स क्या होती है कि वैसे काउंटिंग हमने पढ़ी हुई है कि हम दिखते हैं नंबर्स में 1, 2, 3, 4, लेकिन जब इन वर्ड्स आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने उस नंबर के स्पेलिंग लिखे हैं. आपको क्या दिया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा, आपने क्या करने हैं उस नंबर के स्पेलिंग लिखने हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास 1, तो 1 की क्या स्पेलिंग है, O-N-E 1. 2 के हैं हमारे पास T-W-O 2. 3 के हैं T-H-R-E-E 3. F-O-U-R 4. F-I-V-E 5. S-I-X 6. S-E-V-E-N 7. E-I-G-H-T 8. N-I-N-E 9. T-E-N 10. तो ये हमारे पास काउंटिंग क्या आ गई, 1 से 10 तक. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 11 से 20 तक. तो सबसे पहले हम देखते हैं 11 के क्या स्पेलिंग है, E-L-E-V-E-N 11. T-W-E-L-V-E 12. T-H-I-R-T-E-E-N 13. F-O-U-R-T-E-E-N 14. F-I-F-T-E-E-N 15. S-I-X-T-E-E-N 16. S-E-V-E-N-T-E-E-N 17. A-I-G-H-T-E-E-N 18. N-I-N-E-T-E-E-N 19. एंड नेक्स्ट इज 20, T-W-E-N-T-Y 20. अब ये जो 1 से 20 तक हमारे पास काउंटिंग थी, इसमें क्या था, हर नंबर के डिफरेंट स्पेलिंग्स थे. लेकिन आगे 21 से 50 तक हम देखेंगे कि एक ही स्पेलिंग चलेगा. उसके साथ हमें क्या करना है, बस 1 से लेके 9 तक इजाफा कर देना है और उसके बाद न्यू फैमिली स्टार्ट हो जाएगी. तो हमारे पास है 20 की फैमिली. तो 20 की फैमिली में हमें एक पैटर्न नज़र आएगा. हम पढ़ते हैं 21, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 20 लिखा और आगे क्या लिख दिया, 1 के स्पेलिंग लिख दिए. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 22, फिर हमने 20 लिखा और आगे क्या कर दिया, 2 के स्पेलिंग लिख दिए. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया 23, हमने 20 लिखा और साथ में 3 के स्पेलिंग लिख दिए. इसी तरह 21 से लेके 29 तक हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और साथ में 1 से 9 तक स्पेलिंग लिख देंगे. उसके बाद हमारे पास न्यू एक नंबर आएगा वर्ड, जिसे हम कहते हैं 30. तो हमने 30 के स्पेलिंग याद करने हैं, वो होगा T-H-I-R-T-Y 30. अब नेक्स्ट है हमारे पास 30 की फैमिली. तो उसमें हम क्या करेंगे, 31 से लेके 40 तक लिखेंगे. तो 31 में आपने क्या करना है, 30 के स्पेलिंग लिख के आगे 1 लिख देना है. उसके बाद 32 होगा, तो क्या करेंगे, 30 लिख के आगे 2 लिख देंगे. इसी तरह 39 तक आपने यही करना है कि 30 लिख के आगे 1 से लेके 9 तक स्पेलिंग लिख देने हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 40. तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि जब हम 4 लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग होते हैं F-O-U-R, लेकिन जब 40 आएगा तो 40 के अंदर यू नहीं आना, 40 के स्पेलिंग है F-O-R-T-Y 40. 40 में भी सिमिलरली आपने देखना है कि ऐसे ही है. 41 से 50 तक आप देखेंगे कि 40 है तो 40 लिख के आगे 1 के स्पेलिंग लिख देंगे. 42 है तो पहले 40 के स्पेलिंग लिखेंगे, साथ में 2 के स्पेलिंग लिख देंगे. तो जो हमें स्पेलिंग याद करने वाले हैं वो सिर्फ 1 से 20 तक हैं. उसके बाद 20 से 100 तक ऐसे ही है कि आपने सिर्फ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के स्पेलिंग याद करने हैं और आगे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख देना है. तो इसमें आपके लिए 20 से आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है काउंटिंग को याद करने में. तो अब आपका होमवर्क क्या है डायरी का, कि आपने लिखना है राइट काउंटिंग इन वर्ड्स 31 to 50 फ्रॉम रिसोर्स नोट्स. कि आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है, नोटबुक के ऊपर आपकी 1 से 30 तक काउंटिंग ऑलरेडी सॉल्व है. उसके आगे आपने क्या करना है, 31 से 50 तक काउंटिंग इन वर्ड्स लिखनी है उसी पैटर्न के साथ जिस तरह आपको नोटबुक पे करवाया गया है, या आप अपने रिसोर्स नोट से भी गाइडेंस ले सकते हैं. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.